हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल से बिना क्लासेस। मैं प्रहलाद लेके हूँ आज आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमको देखना है मछलियों के सल्क के बारे में। जो मछलियाँ होती हैं उनके सल्क कैसे होते हैं, पहले उसके परिचय की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन हम डील करेंगे। इंट्रोडक्शन डील करने के बाद ये देखेंगे कि इनका निर्माण जो होता है ओरिजिन के हिसाब से जो सल्क होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे ये कि उत्पत्ति होने के बाद जो उनकी वैरायटी होती है या कह सकते हो कि उनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, उनको हम काफी आसान तरीके से डील करेंगे अपने अलग अलग टॉपिक में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यदि चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे क्लास में लगातार आपको बीएससी का टोटली हिंदी में प्रोवाइड कराता रहूं जिससे आपकी स्टडी कंप्लीट होती रहे और आप पेपर में अच्छे मार्क्स कंप्लीट कर सके। चलिए आइए नोट्स की बात करते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ स्टूडेंट इसके परिचय में। परिचय की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जो हमारे कशेरुकी होते हैं मतलब वर्टिब्रेट्स होते हैं, ढेर सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें टू टाइप्स के और स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप्स के स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। बट यहां पे एक टाइप होता है इंटरनल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम मतलब बाह्य कंकाली आवरण और अंतःकंकाली तंत्र। तो बाह्य कंकाली तंत्र और अंतःकंकाली तंत्र का मतलब क्या है स्टूडेंट? बाह्य कंकाल तंत्र, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके ऊपर एक हार्ड मटेरियल प्रोवाइड होता है या बना होता है, हम उन्हें एक्सटर्नल स्केलेटन के बारे में जानते हैं। वही हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन में स्केलेटन की बात करेंगे तो अंदर जैसे हमारे बोन हैं वो इंटरनल के पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम ये डील करेंगे जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में टू टाइप्स के स्केलेटन सिस्टम देखे जाते हैं। नंबर फर्स्ट, उनकी बॉडी में पाया जाने वाला जो हमारा बैक बोन है वो या फिर बोन है वो, और एक बाहर उनके बॉडी पे ढेर सारे सल्क होते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे सल्क होते हैं यानी स्केल्स होते हैं, और यही स्केल्स बाहर की ओर क्या करते हैं स्पेशली कह सकते हो कि बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। जो बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? टू टाइप के ओरिजिन्स होते हैं। नंबर फर्स्ट एपिडर्मल, नंबर टू डर्मल मतलब डर्मिस और एपिडर्मिस। डर्मल मतलब होता है इसको हम कहते हैं त्वचा और उपत्वचा। त्वचा और उपत्वचा के हिसाब से हम देखेंगे टू टाइप्स के हमारे क्या होते हैं यहाँ पे स्कल्स देखने के लिए मिल जाएंगे ओरिजिन के बेसिस से। तो नंबर फर्स्ट शेडिंग हम यदि कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट तो वहाँ पे ये हमको समझ में आता है कि जितने भी स्केल्स होते हैं वो टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो आप हेडिंग कर लीजिए नंबर फर्स्ट एपिडर्मल स्केल्स। तो एपिडर्मल्स जो स्केल्स होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे तो ये बोलेंगे कि जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं ठीक वो मेलपिगी क्या होते हैं मेलपिगी लेयर तक बने होते हैं। क्या होते हैं? मेलपिगी के यहाँ पे कह सकते हो कॉर्नी क्या कहते हैं कॉर्नी फील्ड से उत्पत्ति होती है। ये चीज ध्यान रखना, ये आपके मल्टीपल चॉइस में पूछे जाने वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार कई बार हमारे जो एमएससी के एग्जामिनेशन होते हैं जूलॉजी के उसमें पूछे जाते हैं कि जो हमारे एपिडर्मल सल्क होते हैं स्केल्स होते हैं या सल्क होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो बता देना कि जो हमारे मेलपिगी होती है मेलपिगी लेयर होता है उसमें वहाँ पे कार्निफिड पाया जाता है, कार्निफिड से ही हमारे एपिडर्मल स्केल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये स्थली क्या होते हैं? ये स्थली जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं क्या होते हैं स्थली वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें देखा जाता है। जैसे हम बात करें रेप्टाइल्स की बात कर लो क्या हो रेप्टाइल्स की बात कर लो उसके बाद हमारे रेप्टाइल्स के बाद हमारे पक्षियाँ हैं एविज वर्ग हैं एविज की बात कर लो उसके बाद जो स्तनधारी होते हैं स्तनधारियों में ऐसे ही स्केल्स पाए जाते हैं मतलब एपिडर्मल स्केल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे हमारे नाखून हुए ये नाखून एपिडर्मल स्केल्स के फॉर्म में आता है। वही बात करेंगे नंबर टू की, नंबर टू में हमारे पास आएगा डर्मल स्केल्स के बारे में मतलब यहाँ पे हम डर्मल स्केल्स नंबर टू में ये डील करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो होते हैं ये मेसेनकाइम आपने देखा होगा मेसेनकाइम या मेसेनकाइमा इसको कहते हैं मेसेनकाइमा से इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे कोई भी मेलपिगी नलिकाएं नहीं देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पे मेलपिगी लेयर भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे केवल यहाँ पे मेसेनकाइमा क्या मेसेनकाइमा देखने के लिए मिल जाता है। खासकर हम बात करें मछलियों में तो मछलियों में विशेष प्रकार के क्या होगा स्टूडेंट मछलियों
विशेष प्रकार से हमारे डर्मल स्केल्स ही पाया जाता है। क्या होता है? डर्मल स्केल ही पाया जाता है। ये छोटी होती हैं। कैसे होती हैं? ये छोटी होती है, कार्निफिड होती है, कैल्शियम युक्त होती है। कैसे होती है? छोटी होती है, कार्निफिड होती है, कैल्शियम युक्त होती है, और इनमें ढेर सारे कह सकते हो हार्नी प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? हार्नी प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। और इनमें एक खासियत है कि ये पास पास दो नंबर में, मतलब ये जोड़े यानी पेयर के रूप के या पेयर के सीक्वेंस में लगे होते हैं, ठीक। और बात कर ले इनके आकार व आकृति अलग अलग होते हैं, और इन्हीं के आकार व आकृति के हिसाब से हम यदि डिवाइड करें इनको फाइव पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। मतलब यदि हम टाइप ऑफ डर्मल स्केल्स की बात करते हैं तो टाइप ऑफ डर्मल स्केल्स जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। तो अब नंबर फर्स्ट हेडिंग आप कंप्लीट करिएगा यहां से, कास्माइटसल। क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट कास्माइट सल्क। तो यहां पे स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कास्माइट सल्क। तो देखो कास्माइट सल्क होता कैसे, आपने फिगर देख लिया होगा, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लो। क्या? स्क्रीनशॉट कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो आपको बाद में काम आएगा फिगर को बनाने के लिए। आपका स्क्रीनशॉट जैसे कंप्लीट होता है फिर आगे चलते हैं। कई स्टूडेंट लगातार बोल रहे थे कि सर आप पीछे हट जाया करिए, स्क्रीनशॉट करने में दिक्कत होती है। तो कर हो गया बेटा। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कास्माइट हम स्केल्स की बात करेंगे। तो जैसे देखने में लग रहा है कि ये प्रारंभिक है, मतलब पहले की जो मछलियां होती थी उनमें देखने के लिए मिलता था। यदि हम नोटिस पॉइंट की बात करते हैं तो ये जीवित मछलियों में नहीं पाया जाता है। यानी हम एक पॉइंट ये कर लें कि जो हमारा कास्माइट स्थल की ये पाया जाएगा, ये अभी तक किसी भी लिविंग और जो हमारे फिशेस हैं उनमें ये देखने के लिए नहीं मिलता है। बट कुछ हमारे जो यहाँ पे एस्टिकोडर्मिस थे, क्या थे यहाँ पे? एस्टिकोडर्मिस थे और उसके बाद प्लेकोडर्मिस थे। इनमें जो हमारे विलुप्त सार्को ऐसा कुछ नाम था, सार्कोटेरिपजीनियस, हाँ सार्कोटेरिपजीनियस, जो विभिन्न प्रकार के मछलियां थी उनमें देखा जाता था। यानी उनकी विशिष्ट लक्षण होती थी किसकी किसकी? एस्टिकोडर्मिस, यहाँ पे प्लेकोडर्मिस और सार्को, यहाँ पे सार्कोटेरिप जीनियस के ये विशिष्ट लक्षण थे। ये चार परत होते हैं। देखो स्टूडेंट इनमें चार लेयर होते हैं। नंबर फर्स्ट लेयर की बात करेंगे, जो पहला लेयर होता है क्या होता है? जो पहला लेयर होता है वो बाहर का लेयर होता है, हम इसे स्पेशल गैनाइन कहते हैं। कैसे कहते हैं स्टूडेंट? इनको हम गैनाइन कहते हैं। तो ये जो नंबर फर्स्ट वाला, क्या नंबर फर्स्ट वाला जो लेयर है, देखो ये तो एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है। बट इनकी जो बाहर की लेयर होती है ये कैसी होती है? इनको हम कहते हैं स्पेशली गैनाइन। कैसा? गैनाइन लेयर के नाम जानते हैं। वही दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो होता है वो होता है कास्मीन। देखो ये जो दूसरा लेयर है ये है यहाँ पे कास्मीन, ये पहला हम कर सकते हैं गैनाइन, दूसरा हमारा कास्मीन आ जाएगा जो ये आउट ऑफ लेयर कंप्लीट करेगा। ये काफी मोटा होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे पल्प कैविटी बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, बाद में इसकी बात करेंगे। क्या करेंगे? इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे वैस्कुलर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वैस्कुलर स्पंजोवोन, तो स्पंजी वोन पाए जाते हैं। तो नंबर थर्ड हम इसको कंप्लीट करेंगे यहां से। ये तीसरा लेयर होता है वो स्पंजी बोन, यानी यहाँ पे स्पंजी अस्थियां पाई जाती हैं जो स्पंज के समान होती है, उसको दबाओगे तो दबेगा, ठीक। उसके बाद लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट जो लेयर होता है वो कॉन्सेप्ट बोन होता है। क्या होता है? कॉन्सेप्ट बोन होता है, इसे हम आइसोपिडीन के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? आइसोपिडीन के नाम जानते हैं, इसे हम कॉन्सेप्ट बोन यानी ठोस हड्डी के नाम से भी कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा रहा कॉस्मिट के बारे में। बात करें नंबर टू की, नंबर टू आपके दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक व्हाइट या फिर ब्लैक व्हाइट। तो ब्लैक व्हाइट की बात करेंगे, ब्लैक व्हाइट जो स्केल्स होते हैं ये एक स्पेशल या कह सकते हो कि ये स्पेशल स्पीसीज में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एला, ऐसा कहते हो एलास्को ब्रैंक, क्या एलास्को या एलास्मो, ठीक। तो एलास्मो जो ब्रैंक होता है, एलास्मो ब्रैंक की जो मछलियां होती हैं, एलास्मो ब्रैंक की मछलियों में खासकर ब्लैक व्हाइट स्केल्स देखने के लिए मिल जाता है। और इनमें जो डर्मिस होती है, ये मछलियों के डर्मिस यानी ऊपर का जो भाग होता है उसमें ये धंसा रहता है। मतलब ये वाला जो सिरा होता है ये मछलियों के अंदर धंसा रहता है। किसमें स्टूडेंट? यहाँ पे बोल रहा है एलास्को या एलास्मो, एलास्मो ब्रैंक की जो मछलियाँ होती हैं, एलास्मो ब्रैंक हो गया,
एलास्मोब्रैंक की जो मछलियां होती हैं उनमें ये पाया जाता है, और उनके जो अंदर की बॉडी यानी डर्मिस होती है वो उनमें तेजी के साथ ढके होते हैं, और इनका जो ऊपर का भाग होता है कैसा होता है, ये जो ऊपर का भाग होता है ये कैसा होता है, ये साधारण गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। बट जो नीचे वाला भाग होता है वो कैसा होता है? चिकना होता है, यानी यहाँ पे निडिल लाइक होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? निडिल लाइक होता है। और बात करें इनमें छोटे छोटे ढेर सारे कंटक दिखाई देते हैं, यानी यहाँ पे स्पाइक की बात करेंगे छोटे छोटे कांटे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं स्टूडेंट? छोटे छोटे कांटे दिखाई देती हैं। यदि हम इनकी मजबूती की बात करें तो इनके ऐसा देखा जाता है कि इनके बॉडी के ऊपर इनेमेल और डेंटिन जैसा, ध्यान देना, इनेमेल और एनेमेल और एनेमेल, इसको नाम सुनो, दांतों के ऊपर जो पाया जाता है एनेमेल, कठोर पदार्थ, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक। तो एनेमेल और डेंटिन, तो डेंटिन जैसे मछलियों में पदार्थ बने होते हैं जो काफी मजबूती देते हैं, यानी जो इसमें स्पाइक पाए जाते हैं वो काफी ज्यादा तीव्र होते हैं। क्या होते हैं? काफी ज्यादा तीव्र होते हैं। बात करें यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स की, तो जो हमारे ब्लैक वाइट होता है, ब्लैक वाइट का जो स्केल्स होता है वो त्वचा के पास पास दो शिफ्ट में होता है। दो शिफ्ट मतलब ये पेयर में लगा होगा। कैसा होगा? पेयर में पाया जाएगा, मतलब एक पेयर के सीक्वेंस में सारे जगह ये पाए जाएंगे। और ये कह सकते हो कि एक जो सैंड पेपर होता है, कैसा होता है? एक सैंड पेपर होता है, ये सैंड पेपर के साथ या सैंड पेपर के जैसे अपनी विशेषता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पे मोनोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये मिलनोसाइट का मतलब होता है कि काफी छोटे छोटे ढेर सारे यहाँ पे कोशिकाएं, यानी साइट मतलब सेल्स की बात कर रहा है कि ये ढेर सारे यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल सेल्स की बात करेगा कि स्मॉल सेल्स, सॉरी, स्मॉल सेल्स छोटे छोटे दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडन या मीडियन स्पाइन की बात कर रहा है, तो ये बीच वाली की बात कर रहा है, ये बेसल प्लेट है, तो दोनों तरफ एक एक बेसल प्लेट पाए जाएंगे, बीच में मीडियन, यहाँ पे मीडियन स्पाइन की बात करेगा, वो हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने दो पॉइंट देखा, कौन कौन, यहाँ पे कॉस्मिक की बात कर लिया, ब्लैक वाइट की बात कर लिया। अब बात करते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड में हमारा आता है गोनार्ड। क्या आता है? यहाँ पे गैनार्ड, इसको कहते हैं गैनार्ड स्केल्स की बात करते हैं। तो गैनार्ड जो स्केल्स होता है, क्या होता है? गैनार्ड जो स्केल्स होता है ये भी काफी कह सकते हो काफी जटिल है। जटिल मतलब इसके नोट्स की बात करेंगे तो ये काफी जटिल देखने के लिए हमको मिल जाता है। उसके बाद करेंगे गैनार्ड जो होता है वो स्पेशली इसको हम रामबायड, क्या रामबायड के नाम से जानते हैं, कभी कभी इसको रामबायड के नाम से भी बोला जाता है, ये चीज याद रखे। तो रामबायड ये काफी मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? ये काफी मोटे होते हैं, और इनके जो शेप और साइज होती है वो डायमंड के जैसी होती है। कैसी होती है स्टूडेंट? डायमंड के जैसे इनकी शेप और साइज होती है, और स्ट्रक्चर से एक प्लेट नुमा होता है। कैसा होता है? एक प्लेट नुमा होता है। और यदि बात करें, जैसे आपने टाइल्स देखा होगा घर पे लगा हुआ, टाइल्स देखा होगा, ये टाइल्स के भांति मछलियों में पाए जाते हैं, यानी जैसे घर पे टाइल्स लगता है जिस सिक्वेंस में लगता है उसी सिक्वेंस में ये भी मछलियों के ऊपर लगा होता है। यदि बात करें तो ये क्या करते हैं, ये मछलियों को एक कवच बनाने का काम करते हैं, काफी मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि जो ये सल्क होते हैं, क्या होते हैं, ये जो सल्क होती हैं ये स्पेशल कांड्रोस्टेनस, क्या है, कांड्रोस्टेनस जो होती है, कांड्रोस्टेनस और होलोस्टेनस की काफी ज्यादा विशेषताओं को प्रकट करता है। ये जो होती है हमारे स्केल्स होती हैं, गैनाइट जो होती हैं, ये कांड्रोस्टेनस और होलोस्टेनस की काफी ज्यादा विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इन्हें गोनाइड मछलियां भी कहा जाता है। क्या होते हैं? जिनमें ये पाए जाते हैं हम उन्हें गैनाइड फिशेस के नाम से भी जानते हैं। ये रहा छोटे से पॉइंट्स। यदि बात करें इनके बनावट की, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दो लेयर के बने होते हैं। कैसे होते हैं? दो लेयर के बने होते हैं। जो इनका फर्स्ट लेयर होता है, क्या होता है स्टूडेंट? जो फर्स्ट लेयर होता है वो यहाँ पे लिपिडो, कैसा, लिपिडो आइस्टी आइन, तो लिपिडो आइस्टी आइन जो होता है, आइड होता है इसका, ये गोनाइड सल्क होते हैं, और इनकी जो बाहरी परत होता है, बाहरी तथा आंतरिक परत आइसोपिडीन की बनी होती है। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो आंतरिक लेयर होगा ये किसका बना होगा स्टूडेंट? ये स्पेशली बना होगा आइसो, यहाँ पे पिडीन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइसोपिडीन जो होगा ये अंदर वाला लेयर होगा, बट जो बाहर वाला लेयर है वो स्पेशली किसके लिए, यहाँ पे बोलेगा लिपिडो, क्या बोलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिपिडो और
देखो लिपिडो स्टे, देखो लिपिडो स्टेडीन स्टेआइड कहता है इसको, तो स्टेआइड की बात कर लेते हैं। ठीक, तो लिपिडो स्टेआइड की बात कर रहा है, इसका जो आंतरिक लेयर होगा, जो बाहरी लेयर होता है वो स्पेशली किसका बना होगा, आइसोपिडीन का बना होता है। वही बात करेंगे नंबर फोर की, तो यहाँ पे नंबर फोर यानी साइक्लोइड स्केल्स की बात करता है, यानी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं, देखो ये फ्लैग की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं करते। यहाँ पे क्या न्यूक्लियस रहेगा और ये एक लाइन है जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी इनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, और यही ग्रोथ मछलियों में उनके एज, ध्यान देना, मछलियों में उनके एज का निर्धारण करती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वही बात करेंगे यहाँ पे साइक्लोइड स्केल्स की बात करेंगे नंबर फोर में। नंबर फोर हमारा साइक्लोइड स्केल्स दिखाई दे रहा है, तो ये काफी पतली होती हैं, लचीली होती हैं, एक पॉइंट रखना, ये काफी पतली होती हैं, लचीली होती है, और ये अर्ध पारदर्शी प्लेट होते हैं, मतलब इनको एक पार से दूसरी पार तक हम देखेंगे तो काफी मात्रा में पदार्थ हमको दिख जाएंगे, मतलब सफेद कलर के होते हैं और एक पार एक एक जगह से या एक पेयर से दूसरी पोजीशन तक हम आसानी से देख सकते हैं, मतलब अर्ध पारदर्शी प्लेट के जैसे होते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं, आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, लगभग गोलाकार होते हैं। और देखो ये क्या है इसका, ये इंटीरियर पार्ट्स है, इंटीरियर बेसल एंड है और ये पोस्टीरियर फ्री एंड है, तो ये बेसल पार्ट्स को कंप्लीट करता है, ये इंटीरियर पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं बेसल पॉइंट्स में, और ये क्या करता है, पोस्टीरियर फ्री पॉइंट्स को कंप्लीट करता है। ठीक, और ध्यान देना इसमें, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाएगा और इसमें भी ग्रोथ लाइन होती है। अब देखो स्टूडेंट, जो ग्रोथ लाइन होती है यहाँ पे, जो ग्रोथ लाइन होती है, इन्हीं ग्रोथ लाइन के वजह से हम इन्हें पता कर सकते हैं कि जो मछली है इसकी एज कितनी है, मतलब ये ग्रोथ लाइन उनके एज को भी, उनके आयु को भी काउंट करने में काम आती हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सल्क होती हैं, ठीक, ऐसे कौन से सल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं जिनकी लाइनिंग या ग्रोथ लाइन की बात करेंगे, लाइन ऑफ ग्रोथ की बात करो, लाइन ऑफ ग्रोथ से हम पता कर सकते हैं कि वो अपने आयु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता रहे गैनाइड और साइक्लोइड जो दो स्केल्स होते हैं, इन्हीं दोनों स्केल की सहायता से, स्केल्स की सहायता से हम क्या करते हैं, मछलियों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे इसके पॉइंट्स की, अलग अलग पॉइंट्स की, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इनमें इनको हम, ये फुसफुस जो मीन होती हैं, क्या होती हैं, ये फुसफुस मीन होती हैं, ये फुसफुस मीन में काफ़ी अच्छे से देखा जाता है, यानी उसकी ये विशेषताएं भी होती हैं। और एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, इनकी जो बनावट होती है वो हेलोस्टियंस की होती है, कैसे होती है, हेलोस्टियंस की होती है, हेलोस्टियंस मतलब एमिया, इसको एमिया कहते हैं, यानी ये एमिया का बना होता है, और इसका जो निम्न पेयर होता है, नीचे वाला होता है, वो टीलियो स्टियो मीन्स की होती है, कैसी होती है, टीलियो स्टियो मीन्स का बना होता है इसका अंतरी लेयर। ये बात करेंगे कार्य की, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो हमारी मछलियाँ होती हैं, ये जैसे कार्प की बात कर लो, कार्प में पाया जाएगा, उसके बाद कार में पाया जाएगा, ऐसी कई मछलियाँ हैं तो उनमें ये साइक्लोइड स्केल्स देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करेंगे नंबर फोर की, नंबर फोर हमारा कंप्लीट होता है। अब नंबर फोर कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं नंबर फाइव में। नंबर फाइव हमारा बोल रहा है यहाँ पे टिनाइड, क्या बोल रहा है स्टूडेंट, टिनाइड स्केल्स की बात कर रहा है। देखो स्टूडेंट, ये जो टिनाइड स्केल्स हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, ढेर सारे रेडियल ग्रो दिखाई देते हैं, ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोनी राइड दिखाई देते हैं, मतलब बोनी राइड का मतलब होता है कि हड्डी के बने होंगे, उसके बाद ये फोकस पॉइंट्स हैं, जहाँ से बीच से ऐसा फोकस कंप्लीट होता होगा, काफ़ी सुंदर देखने के लिए मिलता है, उसके बाद यहाँ पे टीथ जैसा, यहाँ पे क्या, टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। यदि बात करेंगे सिम्टम्स की यानी कमेंट्स की, तो कमेंट्स में ये लिखेंगे कि जितने भी आधुनिक मछलियां हैं, क्या हैं, जितने भी आधुनिक मछलियां हैं, आधुनिक मछलियों में ज़्यादातर हमारे यही टिनाइड स्केल्स देखने के लिए मिलता है। यदि बात करेंगे बनावट की, जितने भी टीलियो स्टियोन्स हैं, क्या हैं, टीलियो स्टियोन्स हैं, टीलियो स्टियोन्स में ये काफ़ी ज़्यादा देखता है, जब देखने के लिए मिल जाता है। यदि बात करें पर्च की, तो पर्च सिनाफिस आदि में ये काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इनकी जो संरचनाएँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनावट मिलती हैं, किससे, हमारे साइक्लोइड जो होते हैं, क्या है, साइक्लोइड स्केल्स होती हैं, उनसे इनकी बनावट लगभग लगभग मैच करती है। ठीक, यदि बात करें इनके पॉइंट्स की, तो ये स्पेशली डबल नंबर में
एक पेयर के साथ मछलियों के ऊपर डर्मिस पे पाए जाते हैं, ठीक। और इनके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते, इनकी संख्या की बात करें इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। और इनमें जो टीथ का नंबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, इनमें जो ये टीथ का नंबर होता है, ये जो टीथ ऑफ नंबर ऑफ टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ हमारा टॉपिक आज का। अब देखो इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है हमारे पास छोटा सा पॉइंट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स के बारे में बात करेंगे और यूज ऑफ स्केल्स। तो यूज ऑफ स्केल्स और मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स का हम नया क्लास ला देंगे छोटा सा, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। छोटे छोटे क्लास को आप लेते रहो, ठीक। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।